सेठ फकीर चंद की चार पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। वह उसको सबसे श्रेष्ठा का सम्मान देता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपने दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्द ही वह मर सक जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी चार पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूँ तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ शमशान तक रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहता था और मैं कर सकता था। दरअसल हम सब की भी चार पत्नियां हैं इस जीवन में। नंबर एक, चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा ले सवार ले, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। नंबर दो, तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी, रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। नंबर तीन, दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो हमारे जीवन काल में, पर मरने के बाद वे हमारे अंतिम संस्कार तक ही साथ रहते हैं। और नंबर चार, पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया से हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज है जो हमारे साथ रहती है, जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमा कर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। धन्यवाद दोस्तों।